हवेली में नाबालिग से दुष्कर्म एवं देह व्यापार करने का मामला सामने आया है। इस मामले में रसूखदार आरोपियों के नाम सार्वजनिक नहीं करने और पुलिसिया कार्रवाई में उठ रहे सवालों के बीच मुंगेली एसपी चैनदास टंडन ने कहा कि पुलिस निष्पक्ष रूप से इस मामले में कार्रवाई कर रही है और पीड़िता को हर संभव न्याय दिलाया जाएगा। पुलिस पीड़िता एवं उसके परिवार के साथ है, उन्हें किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। मामले के आरोपी जल्द ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। स्थानीय कांग्रेस नेताओं द्वारा आरोपियों को संरक्षण देने के आरोप को बेबुनियाद बताते हुए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आत्मा सिंह शास्त्री ने कहा है कि कांग्रेस का इस मामले से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी की छवि खराब करने के लिए इस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है जो कि बिल्कुल गलत है। आरोपी को हम गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। काजल उर्फ सुनीता श्रीवास, पिता दयाराम श्रीवास, 35 वर्ष निवासी उपलपुर रेलवे ओवरब्रिज के पास। वो मतलब ये अच्छी बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी को धूमिल करने की बात है। कोई प्रकार की कांग्रेसी न कार्यकर्ता ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है, न इसे दूर दूर तक न इन्वॉल्व भी है। जो भी है उसमें जो खुद मालूम है, पूरे शहर के लोगों को मालूम है, जितने लोग भी हैं, ये किसी मैं पार्टी विशेष का नाम नहीं लेता, अपराधी अपराधी होता है।